नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों नाइका की। कई इन्वेस्टर्स के मन में, इन्वेस्टर्स के रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कई रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में, कई एनालिस्ट भी ये बात कह रहे हैं कि क्या क्या ये नाइका नेक्स्ट पेटीएम बनने वाला है? क्या जिस तरह से पेटीएम ने अपने निवेशकों के, आप कह सकते हैं, जो खरीदारी थी उससे बहुत ज्यादा नीचे, आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि बहुत गिरावट दिखाई, क्या सेम एग्जैक्टली वही होने वाला है जिस तरह पेटीएम के निवेशक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कभी कभी, और तमाम आप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी ट्रोल किया जाता है कि भाई ये पेटीएम ने, पेटीएम जो रिटेल निवेशक है उसने बहुत ज्यादा नुकसान सहा है, क्या नाइका में भी वैसे होने वाला है? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपके साथ ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टॉक पिछले 2 दिनों में 10% के आसपास टूट चुका है दोस्तों, ठीक है। और बात करूं मैं इस स्टॉक की, पिछले 5 दिनों में स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 15% के आसपास पास की गिरावट आपको दिखा चुका है। तो क्या ये कह लीजिए खरीदारी का मौका है ये जो गिरावट है, या आप कह सकते हैं यहां से स्टॉक जो टेक्निकली वीक हुआ है एक बहुत बड़ी गिरावट, एक बहुत ही आप कह सकते हैं बड़ा नुकसान निवेशकों को पहुंचा सकती है? इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपके तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको शायद मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डिटेल एनालिसिस के साथ आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलते रहे आपको। इसके लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, ऑल नोटिफिकेशन बार को भी ऑन कर लीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, यानी इन शॉर्ट नाइका, आप देखें इस स्टॉक ने दोस्तों अपने निवेशकों को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है। अब देखिए पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने लगभग 14% से भी ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, ठीक है। और अगर हम इसे थोड़ा ऊपरी स्तरों पे देखें 155 रुपए से, तो आप देखें स्टॉक ने लगभग 14-15% की नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दे रखे हैं, ठीक है। एक समय में आप कह सकते हैं इसे इस प्रकार से प्रचलित किया जा रहा था, और मैंने भी कई बार अपने वीडियो में कहा है एक लौता न्यू एज टेक स्टॉक था दोस्तों जो प्रॉफिट में था, ठीक है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज्यादा गिरावट, इतनी भयंकर पेन निवेशकों को देखने मिल रही है? देखिए प्रैक्टिकल बात करते हैं, पहली बात समझिए जो एक्सपायरी था दोस्तों, लॉक इन एक्सपायरी थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है? लॉक इन एक्सपायरी जो है वो खत्म हो गई थी, जिसके कारण कई निवेशक लगातार इसमें सेल ऑफ किए, अपना स्टेक कम करके स्टॉक से निकलते रहे, जिसके कारण स्टॉक एक बड़ी दबाव में रहा, और आप कह सकते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन का काम किया इस एक चीज ने दोस्तों, वो है बोनस शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बोनस शेयर की अनाउंसमेंट हुई तमाम एनालिस्टों के मन में एक ही बात आई, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू तो नहीं है, क्या मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है? और उसके बाद दोस्तों इनके जो सीटीओ थे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया, यानी आग में घी डालने का काम तमाम चीजों ने किया, और आपके सामने है नाइका में एक भयंकर गिरावट, एक जबरदस्त गिरावट का सिलसिला दोस्तों, ठीक है। तो क्या करें इस स्टॉक में, आप समझिए इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल में दिया गया है, आप देखिए इधर। सबसे पहले कि गिरावट क्यों हुई, आफ्टर द लॉक इन पीरियड एक्सपायर्ड ऑन नवंबर 9, जैसे ही नवंबर 9 को दोस्तों लॉक इन एक्सपायर हुआ, जो मैंने पहले कहा प्री आईपीओ इन्वेस्टर लिक्विडेटेड द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम, जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी सारी जो अपने जो तमाम स्टेक थे उसे लिक्विडेट किया। अर्लियर एनआरआई इन्वेस्टर माला गोपाल गांवकर हैड सोल्ड 5.7 करोड़ शेयर, एक एनआरआई इन्वेस्टर है दोस्तों माला गोपाल गांवकर, उन्होंने 5.75 करोड़ शेयर नाइका के ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ 175 में डंप कर दिया दोस्तों, ठीक है। इन अ डील वर्थ ₹1009 करोड़, क्या गजब की वैल्यूएशन है दोस्तों, 1009 करोड़ की वैल्यूएशन में 5.75 करोड़ शेयर सेल कर दिए गए।
उसके बाद किसकी बारी आई, लाइट हाउस इंडिया फंड थ्री हैड ऑल्सो सोल्ड शेयर इन नाइका वर्थ रुपीज 525 करोड़। फिर लाइट हाउस फंड इंडिया ने आप कह सकते हैं 525 करोड़ रुपए के शेयर है वो बेच दिए, यानी आप देखिए 1500 करोड़ से भी ज्यादा के जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो फुर हो गई, आप कह सकते हैं हवा हो गई। ठीक है, अदर सेल्स इन द पास्ट हैव इंक्लूडेड सेगेंटी इंडिया मॉरिशस एंड अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी। टेक्निकली नाइका इज ट्रेडिंग बिलो 8 out of 8 सिंपल मूविंग एवरेजेस। ठीक है, यानी कि नाइका दोस्तों टेक्निकली अपने तमाम 8 के 8 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी आप देखें 1, 2, 3, 4 ये तमाम बड़े बड़े निवेशक दोस्तों अपनी जो लिक्विडिटी है उसे बेच के निकल गए। लेकिन आप एक चीज समझिए, ये जो किए हैं ना दोस्तों, इसके पीछे का रीजन ये है कि उनके पास इतने ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट है, क्योंकि प्री आईपीओ इन्वेस्टर दोस्तों इनकी तब है जब कंपनी बन रही थी तब उन्होंने इसमें निवेश किया था। और जब आपके पास 1000 गुना 2000 गुना आपके पास जब आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिल जाता है ना, तो वो समय में जो प्रॉफिट बुक करने से ज्यादा अलावा और कुछ भी नहीं होता। आगे आप देखें टेक्निकल एस्पेक्ट में, नाइका इज ट्रेडिंग बिलो ऑल इट्स मेजर मूविंग एवरेजेस। नाइका अपने तमाम बड़े मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड दोस्तों लो कर रहा है। वी आर फेसिंग मैसिव सेलिंग प्रेशर देयर, एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अनलेस द स्टॉक क्रॉसेस 142 to 143 लेवल, वी कैन सी फर्दर डाउनसाइड इन द स्टॉक बिलो 120 लेवल्स। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि स्टॉक 142 से 143 का जो लेवल है इसे तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक कोई भी मजबूती नहीं देखी, बल्कि स्टॉक 120 के भी नीचे भी जा सकता है। सो इफ एनीवन इज होल्डिंग द स्टॉक ₹130 हैज टू एट द स्टॉप लॉस, ₹130 का उनको स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। वी कुड सी डीपर कट्स इन दिस काउंटर, ये कहना है सुदीप शाह का। ठीक है, ये तो बात हो गई दोस्तों, ये SBI सिक्योरिटीज हैं उनका कहना है, यानी एक एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर 130 टूटा तो स्टॉक एक बड़ी गिरावट के साथ 120 के नीचे के भी लेवल्स जो है आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इन चीजों की। अब थोड़ा अलग बात करते हैं दोस्तों, देखिए हाउ इतनी गिरावट के बाद हाउ एनालिस्ट आर नॉट डिस्करेज्ड बाय दिस, जो ये पूरी तमाम सिनारी हो रही है इससे एनालिस्ट डिस्करेज नहीं है। सचदेवा पैक्स द स्टॉक एट ₹361.67 द नेक्स्ट 1 ईयर, यानी आप समझिए एक हाउस है जो ये कह रहा है स्टॉक ₹361 के आपको टारगेट दिखाएगा आने वाले 1 सालों में, यानी 174% का अपसाइड, और उसकी बाई रेटिंग है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो HDFC सिक्योरिटी है उनके जो जय गांधी हैं उन्होंने सेल के टारगेट दिए हैं, और अब पोस्ट बोनस इशू और 133 का टारगेट दिया था जो ये टच कर चुका है नाइका। और इसी कारण में जो आगे बात है, इन अवर व्यू नाइका हैज द पोटेंशियल टू बी हाइब्रिड। नाइका की एक पोटेंशियल है कि वो हाइब्रिड हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन दोनों ही जगहों पे कंपनी काफी अच्छा कर सकती है, बट एज ऑफ नाउ अभी के कारण इट शेयर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स विद अ बिजी इफिशियंट लीनियर ऑनलाइन पाइपलाइन देन अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी कंपनी किस तरह काम कर रही है दोस्तों, एक लीनियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह से वैल्यूएशन दे रही है। एडिशनली नाइका टोटल एड्रेसेबल मार्केट सीम टू बी ओवरसोल्ड एज वेल, नाइका का जो टोटल मार्केट शेयर है दोस्तों वो भी ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि वैल्यूएशन स्टेंसिल्स मस्ट बी रियलाइंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी यहां से कोई बहुत सा डाउनसाइड नहीं है दोस्तों। और मैं बता दूं ₹100 से नीचे जाना मुझे स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, यानी आप कह सकते हैं ₹100, यानी यहां से ऑलमोस्ट 30% का गिरावट ना, ऑलमोस्ट। ठीक है, 30-20% के आसपास की गिरावट कह सकते हैं आप, 13-26 आप 20-25% गिरावट, 30 ज्यादा हो गया, 20-25% गिरावट। और यकीन मानिए अगर 120 में स्टॉक आता है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, लेकिन जब मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों, उनके सामने एक बात उनको समझनी पड़ेगी, ये जो स्टॉक है ये कोई बहुत डिफेंसिव प्ले का स्टॉक नहीं है, ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है, ये वो स्टॉक है जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए होता है, नहीं है प्लीज स्टॉक से दूर रहें, ये ऐसे ही फिर बर्बाद करते हैं रिटेल निवेशकों को। जो निवेशक इतने अच्छे प्रॉफिट में भी स्टॉक से नहीं निकले उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा सबक है दोस्तों ये। ठीक है, तो यदि आप एक चीज समझिए, यदि आपको
नायका में निवेशित हैं या इन करंट पोजीशन में खरीदना चाहते हैं, बहुत थॉरली रिसर्च कीजिए स्टॉक के ऊपर। अपने आपके आपके अगर वित्तीय सलाहकार हैं उनसे बात कीजिए कि भाई क्या वाकई में स्टॉक को मैं खरीद सकता हूँ, क्या मेरे रिस्क एपेटाइट को ये फुलफिल कर सकता है। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, और यदि आप ये सब फुलफिल कर लें उसके बाद ही इसमें निवेश की सोचें, वरना स्टॉक से दूर रहें। अगर थोड़े बहुत लॉस में हैं स्टॉक को अपना लॉस बुक करके स्टॉक से निकल जाएं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये एक सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों। तो यदि आपको ये मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, एक कंप्लीट एनालिसिस नायका के ऊपर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन का। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।